केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज गुलाबबाड़ी स्थित नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और स्थानीय विधायक अनिता भदेल मौजूद रही। 75 लाख की लागत से बनी इस डिस्पेंसरी में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अजमेर के गुलाबबाड़ी में किराए के मकान में संचालित हो रही डिस्पेंसरी के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ऐसे में स्थानीय अजमेर दक्षिण से विधायक और पूर्व मंत्री अनिता भदेल ने गुलाबबाड़ी में ही दो माफियाओं द्वारा जमीन को मुक्त कराकर इसका शिलान्यास करवाया और एक साल में यह डिस्पेंसरी बनकर तैयार हो गई, जिसका आज समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अजमेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि डिस्पेंसरी बनने के बाद आम जनता को काफी राहत मिलेगी। इसे लेकर अजमेर दक्षिण से विधायक अनिता भदेल ने काफी मेहनत की। सरकारी संपत्ति को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर उस पर यह कार्य करवाया गया है, जो कि सराहनीय है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। वहीं पुराने रूठे हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को वापस लाने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी सभी बीजेपी के पूर्व पदाधिकारियों और नेताओं से संपर्क करेगी, जो किन्हीं कारणों से पार्टी से अलग हो गए। इन सभी को पार्टी में फिर से शामिल करते हुए पार्टी को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है और उसी के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसे लेकर संभाग स्तर पर भी कई नेताओं से संपर्क किया गया है। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी के प्रयास सभी को ही करना चाहिए। इसमें अनिता भदेल जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया। ये जो जगह दिख रही है, इस पर नज़रें बहुतों की थी। इस जगह को पहले तो बचाया, फिर इस जगह में बनाने के लिए पैसा कहाँ से आए, तो विधायक कोष का इन्होंने सदुपयोग किया। मैं इसको सदुपयोग कहूँगा। अब ये जगह जो हेल्थ सेक्टर के लिए डिस्पेंसरी बनी है, ये बहुत काम आएगी कॉलोनी और आसपास के लोगों के लिए। तो ये अच्छा प्रयास है, इसका आज हमें उद्घाटन करने के लिए आया हूँ। पहला तो बिंदु यही है। सर, संभाग में आप अध्यक्ष भी हैं, समिति जो नई बनी है, जो हमारे कई भाजपा के कई जो रूठे हुए कार्यकर्ता थे, निष्कासित थे, क्या वापसी को लेकर के उनकी क्या तैयारी है, हुआ है क्या कोई नई कोई यहाँ की अजमेर से कोई सूची? नहीं, वो आपने मीडिया में देखा होगा, जो हमारे यहाँ चर्चा हुई थी उसके अनुसार जो MLA का चुनाव लड़े हुए, MP का चुनाव लड़े हुए, ऐसे कुछ वरिष्ठ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में वापस आना चाहते हैं, या किसी और दल में थे वो आना चाहते हैं, या हमारी पार्टी में थे कहीं चले गए फिर आना चाहते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने एक समिति बनाई है। ये समिति पहले प्लस माइनस जो भी है, उस व्यक्ति के पार्टी में आने से क्या फ़ायदा होगा, लोकल यूनिट क्या बोलती है, कार्यकर्ताओं में कितना पॉजिटिव संदेश जाएगा, इन सारे विषयों की चर्चा करके फिर हम प्रदेश कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके सामने विषय रखेंगे, फिर निर्णय होगा। हमारी समिति का काम सिर्फ ये है कि उसका गुण दोष मेरिट पे उसकी समीक्षा करना, ये हमारा काम रहेगा। नाम कई हैं, अभी मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। कई तरह के नाम हैं, कई नाम हैं, लेकिन उसकी सबकी समीक्षा हो रही है। एक एक नाम की समीक्षा होगी और आपके सामने आएगा। सर, चुनावी मोड पर जो है राजस्थान अब चल रहा है, एक तरफ सचिन पायलट मैदान में उतर चुके, वसुंधरा राजे भी उतर दूसरी तरफ, तो क्या माने कौन आगामी दिनों में? क्यों, अशोक गहलोत जी को आप मैदान में नहीं मानते हो? आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ। वो मैदान में ही है ना, वो मैदान में ही है, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और सचिन पायलट साहब कुर्सी पकड़ना चाह रहे हैं। देखिए, जब दो खेमों में कोई दल बंट जाता है और विशेष करके सत्ताधारी दल, तो उसका खामियाजा दो सेक्टरों पे होता है। एक है डेवलपमेंट का सेक्टर, तो डेवलपमेंट के सारे काम रुक जाते हैं, और एक होता है गवर्नेंस का सेक्टर, वो गवर्नेंस गायब हो जाती है। जब डेवलपमेंट रुकता है, गवर्नेंस गायब होती है, तो अत्याचार बढ़ते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। जब अत्याचार बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा खामियाजा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भुगतना पड़ता है, जिसमें अभी दलितों पर अत्याचार बढ़ने का विषय राजस्थान में है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का विषय राजस्थान में है,
ये विषय उजागर होते हैं जब दो खेमों में सरकार बन जाती है, और ये स्पष्ट बंटी हुई है। सचिन पायलट साहब भी आपके अजमेर में एमपी रहे हुए हैं, अभी चाहे टोंक से एमएलए हैं तो क्या हुआ, आप जानते हो अच्छी तरह से। अशोक गहलोत साहब भी यहाँ खूब आए हैं। ये दो खेमों में बंटी हुई सरकार है, एक कुर्सी पे चिपकना चाहता है या चिपके रहना चाहता है, एक कुर्सी उनको छुड़ा करके कुर्सी पे बैठना चाहता है। अब इस प्रक्रिया में राजस्थान में इतनी अस्थिरता हो गई, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो गई, कई बार तो अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे रणनीतिकार लोग, कॉलम लिखने वाले लोग, ब्लॉग लिखने वाले लोग सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ वो कहते हैं सरकार है ही नहीं। सरकार है तो क्या अल्पमत की सरकार है? तो ऐसे क्या बीजेपी का क्या रुख रहेगा? बीजेपी देखिए, अभी बैठक हुई थी उसमें हमने तय किया था कि हम इस विषय को राज्यपाल महोदय के सामने भी रखेंगे, जहाँ संविधान ने जो व्यवस्था दी है, स्पीकर निर्णय नहीं ले रहा, 92 एमएलएज का इस्तीफा उनके पास है, तो उनके ऊपर भी जो व्यवस्था है वहाँ भी दिल्ली में अप्रोच करेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे।